अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आप लोगों को एक हार्ट शेप रोज़ डिज़ाइन बेडशीट बनाना बता रही हूँ, जो कि ये छोटा सा हार्ट है और ये रोज़ डिज़ाइन में बना हुआ है। अब और भी मेरी स्टूडेंट्स लोगों का फरमाइश है कि एक बड़ा हार्ट जो पूरे बेडशीट पर हो वो डिज़ाइन बनाएं, तो इंशाल्लाह मैं अगले वीडियो में एक बड़ा सा डिज़ाइन भी बनाऊंगी जो हार्ट शेप का होगा और आप लोगों को वो भी बताऊंगी। और इससे पहले भी मैं एक इसी रोज़ डिज़ाइन में राउंड बेडशीट, राउंड शेप का बेडशीट बनाई थी, जो कि मेरे लिंक पे है, आप लोग उसे देख सकते हैं। और आइए देखते हैं। लीफ बनाने के लिए सबसे पहले मैं इसका कलर बनाऊंगी, सेप ग्रीन में थोड़ा सा ब्लैक डालकर उसे और डार्क कर लूँगी। डार्क करने से इसका लुक कुछ ज़्यादा अच्छा आता है वाइट बेडशीट पर, और उसे मैं लिप बनाऊंगी। लेकिन इस वीडियो में मैं आप लोगों को लिप बनाना नहीं बता रही हूँ, क्योंकि स्पेशली मैंने इस लिप का पूरा वीडियो स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस मैं स्पेशली बनाई हूँ। आप हमारे लिंक पे जाके इसे आसानी से देख सकते हैं। इसका लिफ मेरी स्टूडेंट लोगों को बहुत हार्ड लगता है, इसलिए मैं स्पेशली इसका वीडियो बना दी, ताकि वो लोग भी वो वीडियो से देख देख कर इससे फ़ायदा उठा सके और अच्छे से सीख सके। हमारे लिंक पर ये वीडियो है, अपलोड है, जो आप लोग भी देख सकते हैं। और आइए अब मैं फ्लावर बनाना बताती हूँ। फ्लावर बनाने के लिए भी मैंने कलर बनाया है, ये डार्क कलर जो आप लोग देख रहे हैं उसके, उसमें मैंने ब्राउन कलर में थोड़ा सा ब्लैक कलर मिलाकर उसे और ब्राउन कर लिया है, डार्क ब्राउन। और इस तरह से जो आप देख रहे हैं, पहले रेड कलर फिल करूंगी और थोड़ा थोड़ा उसके गैप जो छोड़ी हैं थोड़ा थोड़ा उसमें डार्क ब्राउन कलर डाल डाल कर उसे इस तरह से हल्का हल्का मिक्स करूँगी। यह मेरी स्टूडेंट निखत बना रही है और इसे मैं टाइम टू टाइम बता रही हूँ, तो आइए देखते हैं।
अब ये रेड फ्लावर हमारा हो गया है रेडी, और इसके बाद मैं इस तरह से छोटा छोटा वाइट फ्लावर से डेकोरेट करूँगी, जिससे इसका लुक और खुलकर आता है, जो आप लोगों ने बहुत पसंद भी किया इससे पहले। अच्छा, मैं अब ये बता दूं कि इसमें मैंने किस किस नंबर का ब्रश यूज़ किया है। तो 4 नंबर और 2 नंबर का ब्रश यूज़ किया है, फ्लैट ब्रश, और 8 नंबर का राउंड ब्रश। फ्लावर तैयार करने के बाद गोल्डन येलो से मैं डॉट डॉट इस तरह से डाल दूँगी, वो भी बड्स से, ईयरबड्स से भी डाल सकती हूँ और ब्रश से भी डाल सकती हूँ, दोनों तरह से बना सकती हूँ। इस तरह से सारे बर्ड्स को भी मैं तैयार कर लूँगी और ग्रासेस से इसे डेकोरेट कर दूँगी। तो ये हमारा बेडशीट इस तरह से और ख़ूबसूरत हो जाएगा। अब मैं पिलो कवर में ये करी लीफ बनाना बता रही हूँ, जिससे कि ये खूबसूरती में और चार चांद लगा देता है। करी लीव्स का भी मैंने स्पेशली एक वीडियो बनाया है, जो आप मेरे लिंक पर इसे देख सकते हैं। आपको हमारा ये
बेडशीट और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।